वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लड़कों को अकेले घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ठाणे के मानपाड़ा पश्चिम में ईडन वुड्स कॉम्प्लेक्स में लगी सीसीटीवी में आवारा कुत्ते लोगों को काटते हुए इनकी तस्वीरें कैद हुई है। सोसाइटी में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि एक लड़का हाथ में थैला लेकर आ रहा है और तभी 4 से 5 की संख्या में वहां कुत्ते उसके पास पहुंचते हैं। शुक्र है कि वहां पर एक गार्ड पहुंच गया और उसने उन कुत्तों को भगाया, जिसकी वजह से ये लड़का जो है वो सुरक्षित बच गया। इसी तरह से एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां एक लड़की एक बैग लेकर जा रही है और तभी अचानक से ये कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लड़की किसी तरह से इन कुत्तों से अपने आप को बचा लेती है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि रास्ते पर ये कुत्ता बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और तभी एक महिला इसके नज़दीक से गुजरती है और ये कुत्ता अचानक से उठता है और उस महिला को काट लेता है। किसी तरह से महिला ने खुद को इस कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, उन लोगों ने कुत्ते से इस महिला को बचाया है। जानकारी के मुताबिक कि इस एरिया में 4 से 5 आवारा कुत्ते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर जो है नहीं खेल पा रहे हैं। राहगीर जो हैं उनको काफ़ी चलने में परेशानी हो रही है कि न जाने कब कौन कुत्ता कहाँ से आए और किस पर हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। काटा बोलो, किधर से किधर जा रही थी? हेजल बिल्डिंग के इधर। हाँ, और किधर जा रही थी तू? मैं तो उधर ही जा रही थी। हाँ, उधर जा रही थी, एकदम आराम से जा रही थी, तभी भी काटा उसने। पर हाथ में कुछ था क्या? मेरा बैग तो नॉर्मल। और तू नहीं, तू कुछ ये नहीं किया ना उसको, भड़काया नहीं कुछ नहीं? मैं तो सिंपल जा रही थी। हाँ, और राधा मौसी को भी मालूम है। अभी वो हेजल का वॉचमैन कुछ किया क्या?